हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, टॉय कलेक्शन का एक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो फिर से आ चुका है आप सब के लिए। और अब की बार सारे के सारे टॉयज जो है बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल न्यू है। और गाइस, हर एक टॉय एक से बढ़कर एक है। और बहुत सारे तो ऐसे टॉयज और गैजेट्स हैं जो ना आपने कभी देखे होंगे, ना ही कभी आपने सुने होंगे। तो बहुत ही यूनिक स्टाइल के टॉयज की मैं रिव्यू करने वाला हूं, और सारे के सारे टॉय मैं एक एक करके आपको बहुत डिटेल में दिखाऊंगा, और सभी टॉयज के प्राइस बताने की भी मैं कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के सारे टॉयज का रिव्यू जो है चालू करते हैं। गाइस, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखना एंड तक, बहुत मजा आएगा आपको। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है एक यूनिकॉर्न का बहुत ही यूनिक स्टाइल का पेंसिल बॉक्स। और गाइस, ये देखिए इसकी मोटाई कितनी ज्यादा है। तो इसकी मोटाई के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा जो है आइटम इजीली आपका आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है ये है गाइस, एक पासवर्ड वाली पेंसिल बॉक्स, ये देखिए, यानी कि बिना पासवर्ड के इसे कोई खोल ही नहीं सकता। गाइस, ये मैंने खरीदी है 200 रुपीज की। और ये देखिए गाइस, ये चैन इसके अंदर लग गई है, जैसे कि आपने ब्रीफकेस या सूटकेस अपने घर में देखा होगा ना, कि उसके अंदर हम पासवर्ड लगा देते हैं तो वो खुलता ही नहीं है। तो ये देखिए, इसके अंदर हमें पासवर्ड जो है सेट करना पड़ेगा, तभी हमारी खुलेगी। और इसका पासवर्ड क्या है गाइस, इसका पासवर्ड है 000। तो गाइस ये देखिए, तो हम इसको 00 पर सेट कर लेते हैं फटाफट से। ये हमने इधर लगा दिया है 0, और इधर भी लगा देते हैं 0, और इधर भी लगा देते हैं 0, और ये बटन दबाएंगे, और ये देखिए हमारी चैन आ गई बाहर खुद ब खुद, और हमारा पेंसिल बॉक्स जो ओपन हो चुका है, ये देखिए। और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले 3D लुक देखिए यूनिकॉर्न का, कितना प्यारा है, मैजिक यूनिकॉर्न इधर लिखा हुआ है, इधर रेनबो भी बना हुआ है। और ये देखिए गाइस, इसको खोलते हैं, वाओ गाइस, सबसे पहले हमें इसके अंदर मिलता है एक पेन विद यूनिकॉर्न पॉपिट, इसके ऊपर यूनिकॉर्न का पॉपिट लगा हुआ है। और उसके बाद गाइस, हमें मिलता है यूनिकॉर्न का एक की चेन, जिसके ऊपर स्पार्कल वाली एक बॉटल, मिनी बॉटल लगी हुई है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर जिप के अंदर आप जो है बहुत सारा सामान रख सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, इसके अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, इसको जब भी खोलेंगे तो आपका सामान बाहर नहीं गिरेगा। और उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यूनिकॉर्न वाला पॉपिट की चेन, इसको आप बैग में या घर की चाबियों में लगा सकते हैं। और उसके बाद जो हमें पेन मिला है वो एक पॉपिट वाला पैक, यूनिकॉर्न पॉपिट वाला पेन मिला, ये देखिए, इसको आप पॉप करके भी खेल सकते हो। और ये देखिए, पेन चलता भी है, ये देखिए गाइस, ये देखिए इधर इसके आगे कवर दिया गया, ये पेन चलता भी है। और जो पेन वगैरह आप इधर अटका सकते हो, और इसके अंदर काफी गहरा स्पेस दिया गया है, तो इसके अंदर काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें जो आप इसके अंदर रख सकते हो। और ये देखिए गाइस, अब हम इसको फिर से लॉक कर देते हैं, और ये देखिए फिर से इसको लॉक कर देते हैं। तो हमें इसके अंदर इसे डालना है, और ये देखिए, और इसका जो है हम सारे के सारे को उल्टा सीधा जो है घुमा देंगे। देखिए, अब हम इसको खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगा, यानी कि इसमें पासवर्ड लग चुका है। इसका पासवर्ड है 000, और इस पासवर्ड को चेंज भी किया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको हमारा लॉक वाला पेंसिल बॉक्स, कमेंट में जरूर बताना, मेरा तो ये फेवरेट है गाइज। और इसके बाद गाइज, मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज लेकर आया हूं, जो है एक रेड कलर की वीडियो गेम, जो मैंने खरीदिया मात्र 80 रुपीज की, और 10 रुपीज के सेल खरीदे हैं, सेल तो खरीदने ही पड़ते हैं। सो गाइज, ये देखिए, इसके अंदर हमने दो बैटरीज इधर लगा दी हैं, ये देखिए निप्पो की, और ये देखिए बटन दबा, इसको ये बटन दबा के आप इसको ऑन कर सकते हो। और इसके अंदर 99 गेम मिलती है हमें, ये देखो 1 2 3, और ये देखो लास्ट में 99, 1 2 3 4, और देखिए कितनी सारी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गेम्स हैं। ये देखिए गाइज, काफी सारी और काफी बढ़िया बढ़िया जो है गेम्स इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, और सारी की सारी गेम एकदम यूनिक है और काफी अच्छी है। और ये देखिए गाइस, इसको इधर ये बटन दबा के आप इसको स्टार्ट कर सकते हो गेम को। ये देखो, ये सारे एनिमल्स को हमें मारना है, ये देखिए इस तरीके से गेम को खेला जा सकता है। वो देखिए गाइस, हमारा प्लेयर मर गया तो हमारी गेम ओवर हो चुकी है। और देखिए, इससे आप रीसेट कर सकते हो, दोबारा से गेम रीसेट हो जाती है, और ये ऑन ऑफ का जो है बटन दिया गया है। ये मात्र 80 रुपीज में, मैं कह रहा हूँ बेस्ट गेम है, 80 रुपीज में काफी वैल्यू फॉर मनी है। और ये रेड कलर इसका बहुत ही प्यारा है। और उसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाने वाला एक बहुत ही यूनिक चीज, इसको बंद कर देते हैं, खुद ब खुद ऑन हो रही है। इसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा एक रोबोट, ये देखिए गाइज, एक रोबोट मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं। और गाइज, ये मैंने खरीदा है 550 रुपीज का, 550 रुपए का मैंने खरीदा है। ऑनलाइन ये आपको 700-800 रुपए मिलेगा, लेकिन लोकल शॉप से आप सस्ते में इसको खरीद सकते हैं। ये देखिए रोबोट बॉट पाइनियर इसके अंदर मिलते हैं, इसमें म्यूजिक होती है, लाइट होती है, और बैटरी ऑपरेटेड होता है ये रोबोट। ये देखिए हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर का आएगा, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं। ये देखिए,
गाइस कितना प्यारा रोबोट है गाइस, ये देखिए वाओ कितना मस्त लग रहा है ना गाइस। ये देखो ऑरेंज कलर का रोबोट, और इसके अंदर जो इसके फेस में इसकी आईज और फेस भी दिखाई देता है, यानी कि माउथ भी दिखाई देता है। और ये देखिए ऑक्टोपस की तरह इसके अंदर इसके 1 2 3 4 5 6 लेग्स भी दिए गए, और इधर भी लाइट जलती है गाइस। इसके हाथों में भी इसके हाथ भी मूव होते हैं, और ये काफी मस्त तरीके से जो चलता है। और इसके अंदर गाइस बैटरीज लगती है जो मैंने ऑलरेडी इधर लगा दी है। इसके अंदर गाइस 3 बैटरी लगती है डबल ए साइज की। और ये देखिए ये रहा इसका ऑन ऑफ का बटन, इसको ऑन कर लेते हैं। और ये देखिए गाइस इसके अंदर लाइट जल गई है, देखो गाइस ये देखिए गाइस ये चलना शुरू हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारे तरीके से चल रहा है। चलिए गाइस मैं इसको जमीन पर आपको जो है चला करके दिखा देता हूं, तभी आपको अच्छे से पता चल पाएगा। हमने इसको जमीन पर रख दिया गाइस, चलिए इसको ऑन कर देते हैं पीछे से। और ये ऑन कर दिया, देखो गाइस कैसे चलेगा। ये देखिए गाइस कैसे फ्रंट में मूव हो रहा है ना गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है ना। और ये देखिए गाइस, और अपने आप ही पीछे भी चला जाता है। ये देखो गाइस अभी अपने आप पीछे जा रहा है, तो उसका काम ही है थोड़ा बहुत आगे है ना थोड़ा बहुत पीछे ना। इसके हैंड्स भी कैसे ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं, इसके फेस भी कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस। ये देखो आईज भी इसकी ब्लिंक होती है, और इसके नीचे भी जो है बहुत ही यूनिक लाइट जलती है एकदम 3D स्टाइल में। चलिए मैं एक बार लाइट्स ऑफ करके इसको आपको दिखा देता हूँ। कमरे में पूरा अंधेरा हो चुका है गाइस, तो इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए गाइस पूरा अंधेरे में कितना मस्त लगता है। ये देखो गाइस सारे में एकदम लाइट स्प्रेड कर रहा है। ये देखो फ्रंट में कितनी दूर तक इसकी लाइट्स आ रही है। ये देखो गाइस अभी आगे की तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, अभी पीछे की तरफ अपने आप जो है जा रहा है। ये देखिए कितना यूनिक है ना गाइस, क्या जबरदस्त चीज है गाइस ये रोबोट मुझे बहुत पसंद है। ये देखो कैसा लगा रोबोट कमेंट में जरूर बताना गाइस। तो गाइज इसी बात पे लाइक ठोक दो एक बहुत ही बढ़िया अगर ये रोबोट लगा था। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस तो हम हमेशा आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो इसको रख देते हैं गाइज साइड में, और इसके बाद गाइज मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिक बबल गन। ये देखिए गाइज ये गन कुछ इस तरीके से नजर आती है, और ये गन मात्र मैंने 100 रुपीज की खरीदी है गाइज। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ मात्र 100 रुपीज में हमें क्या मिलता है गाइज। तो मात्र 100 रुपीज में हमें मिलती है एक बहुत ही जबरदस्त गन स्टाइल की बबल गन। ये देखिए एकदम रियल गन जैसी लगती है, जैसा लगता है कितनी सारी गोलियां इसमें से निकलती होंगी। और इसके अंदर हमें मिलता है ये देखिए हमें मिलता है इसके अंदर बबल्स के लिए लिक्विड मिलता है गाइस, इसको रखते हैं साइड में। ये देखिए लिक्विड मिलता है, गन मिलती है, और एक हमें मिलता है बाउल। इसके अंदर हमें पानी को डालना होगा और इसमें से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डालेंगे लिक्विड को। और गाइस इसके अंदर 2 बैटरीज लगती हैं जो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर जो है लगा दी है। ये देखिए डबल साइज की 2 बैटरीज हमने ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल करके रखी हुई है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और ये देखिए गाइस अब हम इस लिक्विड को जो है इस बोतल के अंदर डाल लेंगे। ये देखिए हमने लिक्विड को खोल लिया है, और हम इस बोतल में जो इस लिक्विड को जल्दी से डाल लेते हैं। ये देखिए और देखते हैं कैसे ये चलती है। ये देखिए गाइस हमने लिक्विड को डाल दिया, थोड़ा सा ही लिक्विड डालना होता है। और अब हमें क्या करना है ये देखिए, और जो ये बटन दिया गया इधर, इसको बटन को दबाने से ये चलती है। ये देखो ये बटन है, इसको दबाने से चलती है। ये देखो गाइस कितने तेज इसके अंदर वाइब्रेशन भी होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस लिक्विड के अंदर डिप करना है, और डिप हमने कर लिया। अब इसको बटन को दबाएंगे, ये देखिए गाइस कितने हजारों इसके अंदर बबल्स निकल रहे हैं गाइस, वाओ। फिर से डिप करते हैं गाइस, और ये देखिए गाइस कितने सारे बबल्स हैं, वाओ मजा ही आ गया गाइस, इसको चलाने का मजा ही अलग है। ये देखिए डिप करो और चलाओ, ये देखो कितना मजा आया ना गाइस, है ना गाइस कितनी जबरदस्त। मैं एक बार आपको आउटसाइड भी इसको चलाकर दिखा देता हूं। हम बाहर आ चुके हैं गाइस, ये देखो इसको डिप कर लेते हैं, और हमने डिप कर लिया। अब आप देखो कैसे इसमें से बबल्स जो है निकलते हैं। ये देखो गाइस कितने सारे बबल्स कैसे हवा में उड़ रहे हैं, वो देखो गाइस कितनी दूर तक सारे बबल्स जो है जा चुके हैं। फिर से हम डिप करते हैं, और हमने फिर से डिप कर दिया है, फिर से चलाते हैं गाइस। ये देखो गाइस कितने हजारों बबल्स हैं, ये देखो क्या बात है। ये देखो यहीं पर सारे के सारे घूम रहे हैं, फिर से चला देते हैं, और ये देखो फिर से हमने चला दिया है, फिर से चला देते हैं गाइस, ताकि हजारों बबल्स यहाँ पे हमें नजर आए, हजारों लाखों बबल्स। ये देखिए गाइस हवा बहुत तेज चल रही है, और सारे के सारे बबल्स इधर उधर उड़ चुके हैं। मात्र 100 रुपए में बबल गन कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना गाइज, मेरी तो ये फेवरेट है। 100 रुपीज में गाइज मुझे नहीं लगता ऐसी बबल गन कहीं भी आपको मिलने वाली है। तो इसको रखते हैं साइड में, और इसके बाद गाइज मैं आपके लिए एक और यूनिक आइटम लेकर आया हूं, जो है एक बहुत ही मस्त चीज। ये देखिए गाइज यूनिकॉर्न स्लाइम, ये देखिए गाइस कितनी मस्त है ना, कितनी लिक्विड है एकदम, कैसे मूवमेंट कर रही है बॉटल के अंदर से ये आपको नजर आ रही होगी, और कितनी स्पार्कली और कितनी कलरफुल स्लाइम है गाइस ये देखिए। और इसका नाम जो है सबसे ज्यादा फनी तो इसका नाम है यूनिकॉर्न पूप,
और पूप का मतलब सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, यानी कि पॉटी, यानी कि यूनिकॉर्न की पॉटी वाली स्लाइम है। ये देखिए गाइस, सुपर कूल पूप पूपी स्लाइम, ये देखिए एज 5 से प्लस के लोगों के लिए है। ये देखिए गाइस कितनी सारी पूप वाली स्लाइम है, यानी कि यूनिकॉर्न की पॉटी वाली स्लाइम है। बहुत ही फनी नेम है, लेकिन सच में मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता, बस इसका नाम ऐसा फनी रखा गया है। तो ये देखिए गाइस ऊपर से ही आपको कितनी सारी गोल्डन स्लाइम जो नजर आ रही होगी, ये देखिए गाइस इसको निकाल लेते हैं, काफी सारी स्लाइम है। ये देखो गाइस ऐसे हिलाते जाओ और देखो कैसे लटक गई है। ये देखो गाइस कितनी सारी स्लाइम हमने निकाल दी और कैसे हाथ के ऊपर हिल रही है, गोल्डन और पर्पल कलर की एकदम स्लाइम, कितनी बढ़िया लग रही है गाइस। और भी निकालने की कोशिश करते हैं गाइस, ये देखो और भी थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगी है। ये देखिए गाइस, वाओ इसको तो निकालने पे बहुत मजा आ रहा है। देखो हमारी स्लाइम गिर भी चुकी है थोड़ी सी इधर, तो इसको उठा लेते हैं गाइस। और ये देखिए गाइस कितनी सारी स्लाइम है, वाओ ये देखो कैसे इधर उधर भाग रही है, जैसा लग रहा कोई एलियन हो। ये देखो गाइस एलियन की तरह इधर से उधर घूम रही है। ये देखो कितनी बढ़िया है ना गाइस ये स्लाइम। और ये स्लाइम गाइस मैंने मात्र 80 रुपीज की खरीदी है। ये देखो यूनिकॉर्न वाली स्लाइम 80 रुपीज में गाइस ये काफी वैल्यू फॉर मनी है, और मतलब कि मुझे लगता है कि इतनी सस्ते में इतनी अच्छी स्लाइम कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। और आप इसको यूनिकॉर्न पूप करके अमेजोन पे सर्च करेंगे तो ये आपको ऑनलाइन भी जो है मिल जाती है गाइस। और ये देखिए गाइस सारी की सारी स्लाइम मैंने वापस से बॉटल के अंदर डाल दी है, और कितनी बढ़िया लग रही है बॉटल के अंदर भी, कैसे हिल रही है ना गाइस, कसम से काफी बढ़िया क्वालिटी की स्लाइम है गाइस, और बहुत लंबे समय तक इसको यूज कर सकते हो और नुकसान भी नहीं पहुंचाती है गाइस, काफी अच्छी स्लाइम है। और उसके बाद गाइस मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही यूनिक आइटम जो है एक चॉकलेट। ये देखिए गाइस, और मैं आपको बता दूं ये है चॉकलेट नोटबुक। अब आप सोचेंगे चॉकलेट वाली नोटबुक कैसी होती है, तो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। ये मैंने 80 रुपीज की खरीदी है गाइस, और 80 रुपए में ये देखिए ये हमें इतनी बड़ी चॉकलेट मिलती है, और ये देखो ऐसा लग रहा है किसी ने चॉकलेट का बाइट भी लिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूं। और ये देखिए गाइस एक चॉकलेट वाली नोटबुक है हमारे पास, एक डायरी है, इसके अंदर आप अपने फनी नोट्स या कुछ भी आप जरूरी चीजें लिख सकते हैं। ये देखो, और सबसे बड़ी खासियत ये है इसकी कि इसके अंदर से गाइस चॉकलेट की खुशबू आती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप किसी के सामने ओपन करेंगे तो चॉकलेट की खुशबू आएगी और उसको सच में लगेगा कि ये चॉकलेट है, बट ये एक नोटबुक है, एक डायरी है। ये देखो है ना गाइस कितनी बढ़िया, 80 रुपीज में काफी यूनिक चीज है गाइस ये। और इसके बाद गाइस मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टिक कंपनी के बोल्ड मार्कर। ये देखिए गाइस ये बोल्ड मार्कर है, यानी कि कलर्स हैं। ये देखिए कितने सारे शेड्स हैं हमारे पास, ये देखिए येलो ऑरेंज, और ये देखो गाइस सबका, और मैं आपको येलो वाला चलाकर दिखाता हूँ। और ये देखो थिकनेस देखो गाइस इसकी, कितने मोटा हमारा जो है मार्कर है, ये देखो स्टिक कलर है, ये देखो कितनी अच्छी थिकनेस है ना गाइस, कितने मोटे हैं। और ये गाइस मैंने काफी सस्ते रेट में खरीदे हैं, ये मात्र मैंने 20 रुपीज का जो है पैकेट खरीदा है, और इसको मैं आपको चलाकर भी दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए इस पेपर के ऊपर चलाकर देखते हैं, ये देखो गाइस वाओ कितना अच्छा चल रहा है हमारा येलो कलर, और ऑरेंज वाला भी चला करके देख लेते हैं। उसकी निब काफी यूनिक स्टाइल की दी जाती है, तो इसको आप कुछ इस पे कुछ अच्छा अच्छा आप जो ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए फन लिख देते हैं। ये देखिए गाइस है ना गाइस कितना बढ़िया मार्कर, ये मार्कर यूज करना जिसको आता है ना बहुत अच्छे तरीके से इससे आप लिख सकते हैं, तो इसको रखते हैं साइड में। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे पास एक लाइट वाला काफी फ्यूचरिस्टिक एक फिजेट स्पिनर। ये देखिए गाइस ये ऐसे भी चलता है, और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर है लाइट्स। ये देखिए ये बटन को इधर करेंगे और ये इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, इसके अंदर काफी प्यारी लाइट्स हैं, और जब ये घूमेगा ना गाइस आपका दिमाग घूम जाएगा इसको देख के। ये देखो गाइस इसकी लाइट्स कितनी बढ़िया और कितनी यूनिक इसकी लाइट्स है, मैं आपको लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूं तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, और ये देखो गाइस वाओ गाइस ये देखो इसकी बैलेंसिंग देखो मेरी फिंगर पे, और इसकी लाइट्स देखो रूम में आप, ये देखो गाइस इसकी रूम में लाइट्स देखो आप कितनी यूनिक तरीके से चलती है, मैं फिर से चला के दिखाता हूं आपको। ये देखो गाइस वाओ गाइस मजा ही आ गया, ये देखो गाइस इसकी लाइट्स, ये देखो रूम में इसकी लाइट एकदम डिस्को लाइट की तरह पूरे में एकदम लाइट्स एकदम चकमका जाती है इससे, ये देखो और वाओ मजा ही आ गया गाइस। और ये मात्र मैंने 70 रुपीज का फिजेट स्पिनर खरीदा है, मात्र 70 रुपीज में फिजेट स्पिनर, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।
और गाइज आपका नाम क्या है कमेंट में जरूर बताना, और मैं सबका नाम देखूंगा कौन कौन मुझे कमेंट करता है, और मुझे पता लगेगा कि भाई किस किस का क्या क्या नाम है, कौन कौन लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो जरूर से कमेंट करना। और अपने सिटी का नाम भी लिख देना गाइज कि आप कौन से शहर में, तो दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, या कहां रहते हो, बिहार में रहते हो, अपने सिटी का नाम और अपना नाम कमेंट में जरूर लिखना। और गाइज ये देखिए, उसके बाद गाइज में हमारे पास एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का फायर रेस्क्यू ट्रक, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ना, और एकदम रियल फायर रेस्क्यू ट्रक की तरह नजर आ रहा है ना, तो गाइस ये काफी बढ़िया। और सबसे यूनिक इसका जो फीचर है मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर जो लैडर दी गई है वो 360 घूमती है, और 360 घूमने के साथ साथ ये काफी लंबी भी हो जाती है गाइस, ये देखो इसकी लैडर कितनी लंबी हो गई है, और इसको फिर से हम बंद भी कर सकते हैं और यहाँ पर अटका सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये पुल बैक एक्शन फायर रेस्क्यू ट्रक है, यानी कि इसको पीछे पुल करो, ये देखो पीछे पुल कर दे, अब छोड़ेंगे तो ये आगे की तरफ जो ये भागता है काफी स्पीड में भागता है। मैं इसको आपको आउटसाइड चला के दिखाता हूं इसकी स्पीड कितनी है। इसकी टेस्टिंग के लिए हम बाहर आ चुके हैं और गाइस और इसको पीछे पुल कर लेते हैं, और जब तक कट कट की आवाज नहीं आएगी जब तक पुल करेंगे, कट कट की आवाज आ गई, अब छोड़ते हैं। और ये देखो गाइस कितनी तेज भागा है हमारा फायर रेस्क्यू ट्रक, है ना कितना जबरदस्त। और गाइज ये फायर रेस्क्यू ट्रक मैंने मात्र 150 रुपए में खरीदा है, मात्र 150 रुपीज में, और काफी अच्छा फायर रेस्क्यू ट्रक है। और इसके बाद गाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मिनियंस वाला लट्टू, यानी कि एक मिनियंस वाला स्पिनर, ये देखिए एकदम इसका फेस देखो, और ये इधर कुछ बटन दिए गए हैं, ये देखो इधर इसके अंदर लाइट्स वगैरह भी जलती है, और ये काफी अच्छे तरीके से जो है चलता है। इसको चलाने का तरीका मैं आपको बता दूं, इसके साथ हमें मिलता है एक लॉन्चर, और हमें इसको इसके लॉन्चर में इधर से इसको ऐसे लगाना होता है गाइस, और ये देखिए अभी लग गया है, इसको हम टाइट कर लेते हैं, और ये टाइट हो चुका है, अब इसको जमीन यहां पर मैं आपको चलाकर दिखाता हूं। ये देखो गाइस कैसे टकरा रहा है, इसके अंदर म्यूजिक भी प्ले हो रहा है, लाइट भी जल रही है। गाइस इसको जमीन पे चलाएंगे ना तभी अच्छे से इसको देख पाएंगे। अब आप इसको जमीन पर देखो गाइस, ये देखो क्या बात है, कितने बढ़िया तरीके से चल रहा है ना गाइस, क्या जबरदस्त लाइट्स इसके अंदर ब्लिंक हो रही है, और मैं आपको लाइट ऑफ करके भी इसको दिखा देता हूं। अब देखो गाइस लाइट्स ऑफ होने के बाद ये देखो पूरे के पूरे रूम में इसकी लाइट्स जो है दिख रही हैं, और ये देखो गाइस साइड से लुक देखो इसका आप, ये देखो ऊपर से देखो गाइस, है ना गाइस कितना जबरदस्त हमारा ये लट्टू, मिनियंस वाला लट्टू, ये मेरा फेवरेट है गाइस, मैं तो बहुत खेलता हूँ इसके साथ। ये देखो रुक चुका है, चलिए इसको उठा लेते हैं। तो गाइज ये अगर आपको पसंद आया हो तो मिनियंस लिख देना कमेंट में, मिनियंस लिख देना गाइज अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको रखते हैं साइड में। और उसके बाद गाइज मैं आपको दिखाने वाला एक बहुत ही प्यारी चीज जो है एक ग्रीन लेजर पॉइंटर, और गाइज मैंने इसको मात्र 250 रुपए में खरीदा, और 250 रुपए में कैसा मिलता है मैं कमेंट में मैं आपको बताता हूं, फिर आप कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। तो एक पेन स्टाइल का जो हमारा लेजर पॉइंटर है, ये देखो इसकी पैकिंग बहुत ही जबरदस्त है, ये देखिए गाइज, और जो इसकी बैटरीज है वो इसके अंदर ही पहले से हमने इंस्टॉल करके रखी हुई है, ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ कैसी बैटरी लगती है इसके अंदर। ट्रिपल ए साइज की जो है बैटरीज लगती है, ये देखिए ये बैटरी इसके साथ आती है, साथ में ही आती है वाली बैटरी इसके साथ, और आप जब ये बैटरी खत्म हो जाए तो आप अपनी न्यू बैटरीज जो है इसके अंदर लगा सकते हैं। और मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसके अंदर ड्यूरासेल की बैटरी लगाओ क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। और ये देखो गाइज ये हमारी डिस्को वाली लाइट, ये देखो गाइज क्या बात है, और ये देखिए और कितनी जबरदस्त लग रही है डिस्को लाइट, ये मैं रात को आपको अंधेरा करके चला के दिखाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी गाइज। ये गाइज अब आप देख रहे हैं इसकी लाइट, ये देखो गाइज एकदम गैलेक्सी लग रही है ना गाइज, ये देखो कैसे ये दीवार पे एकदम डिजाइन बन रहे हैं। बस हमें क्या करना होता है, हमें जो इधर ये दिया गया इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाना होता है, और आप देखो गाइज ये देखो थोड़ा थोड़ा घुमाओ और इधर डिजाइन कैसे घूमते हैं, मैं पीछे होकर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो कैसे इसके जबरदस्त तरीके से डिजाइन घूम रहे हैं, और कहीं पर भी आप रोक सकते हो, आपको जो सा मर्जी डिजाइन चाहिए वहां पे आप इसको रोक के आप इसको चला सकते हो। ये देखो बहुत सारे स्टार्स हो गए, ये देखो गाइस है ना गाइस, ये देखो बॉक्स बन गए बहुत सारे, है ना गाइस कितनी यूनिक हमारी ये जो टॉर्च है, ये सॉरी लेजर पॉइंटर है, काफी बढ़िया है। और गाइस इसके अंदर से लेजर लाइट भी निकलती है, बस हमें ये जो इसका फेस होता है ये ऐसे हटा लेना होता है, ये देखिए मैं आपको हटा के भी दिखाता हूं, ये देखिए गाइस अब ये इसका जो फेस है ये हट गया है, ये देखो ये रहा इसका फेस, और अब आप इसकी लेजर पॉइंटर देखियो, ये देखो गाइस ग्रीन कलर की इसकी लेजर पॉइंटर, और गाइस ये रात के समय 5 किलोमीटर दूर तक भी चली जाती है, यानी कि काफी दूर तक जो है ये लेजर पॉइंटर चली जाती है। 250 रुपए में लेजर पॉइंटर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अगर आपके पास भी है या आपने ऐसी लेजर पॉइंटर देखी है तो कमेंट में जरूर बताना गाइस।
गाइज इसका डिजाइन कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद गाइज हमारे पास एक स्टार पॉपेट, ये देखिए गाइज ये फिजेट स्पिनर वाला पॉपेट भी है। इसको आप चाहे तो ऐसे लटका करके किचन वगैरह में यूज कर सकते हैं, और जब आप इसको घुमाने का मन करे तो आपको सिंपली इसको हटा लेना है और आप इसको घुमा सकते हैं। ये देखिएगा इस कुछ इस तरीके से फिजेट स्पिनर की तरह आप इसको घुमा भी सकते हैं, और जब आपका मन करे तो आप इसको पॉपिट करके भी खेल सकते हैं। ये देखो गाइस इस तरीके से पॉपिट करके खेल सकते हैं। तो एक तरीके से 3-in-1 हमारा कीचेन है पॉपिट वाला, तो मुझे ये बहुत पसंद है। 3-in-1 कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। और उसके बाद गाइज हमारे पास एक ट्रैक्टर, ये देखो गाइज ग्रीन कलर का ट्रैक्टर है, पुल बैक एक्शन ट्रैक्टर है हमारा। ये देखो एकदम रियल ट्रैक्टर लगता है ना, फार्म ट्रैक्टर। ये देखो काफी बढ़िया लग रहा है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और ये भी एक पुल बैक एक्शन ट्रैक्टर है, इसको पीछे पुल करो और आगे छोड़ो। ये देखो पीछे छोड़ो और आगे की तरफ भागता है गाइस, काफी बढ़िया तरीके से चलता है। और उसके बाद गाइस हमारे पास है एक अल्ट्रॉन वाली बाइक, ये देखो काफी यूनिक स्टाइल की फ्यूचरिस्टिक बाइक है, और ऐसा लग रहा है जो इसका राइडर है वो इस बाइक के अंदर ही जो है बैठा हुआ है। गाइस ये काफी यूनिक स्टाइल की हमारी जो एक बाइक है, ये देखो ये इधर से छोटे व्हील दिए गए हैं, इसके हेल्प से ये चलती है, काफी तेज भागती है। मैं आपको ट्रैक्टर और ये हमारी बाइक दोनों ही आउटसाइड जाके चलाकर दिखा देता हूँ। गाइज हम आ गए हैं बाहर, अब मैं इसको आपको चला करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ट्रैक्टर को चलाते हैं, पीछे पुल कर लेते हैं, और जब तक कटकट की आवाज़ नहीं आती जब तक करेंगे, और कटकट की आवाज़ आ गई और उसको छोड़ते हैं। और ये देखो गाइज क्या स्पीड है गाइज, वो देखो जाके उसने दीवार में टक्कर मार दी है पौधे के अंदर, ये देखो काफ़ी बढ़िया है। तो अब हम इसको अपनी बाइक को चलाते हैं, और ये देखो गाइज कुछ इस तरीके से इसमें काफ़ी स्पोर्टिव टाइप का साउंड आता है, तो इसको पीछे पुल करके थोड़ा आगे को पुश करके छोड़ देते हैं। ये देखो गाइज क्या गोले की स्पीड में वो हमारी जो बाइक है गई है, काफी मजा आया इसको चला के। तो ये दोनों चीजें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो कमेंट में आप यह लिखना, बाइक आपको ज्यादा अच्छी लगी तो बाइक लिखना, और ट्रैक्टर ज्यादा अच्छा लगा तो ट्रैक्टर लिख देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या पसंद आया। और गाइज आप लोग 1 से ज्यादा 10 भी कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, जितने मर्जी कमेंट करो, जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है उन सब चीज का नाम आप कमेंट में लिख सकते हो। इसके बाद गाइज हमारे पास एक बर्गर स्टाइल में टिफिन बॉक्स, यानी कि एक लंच बॉक्स है जो कि बर्गर जैसा नजर आता है। देखो कितना बड़ा बर्गर है ना, और एक लंच बॉक्स है, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गाइस। ये बिल्कुल पैक है गाइस, ये देखिए, और ये मैंने मात्र गाइस 150 रुपए में खरीदा है। तो 150 रुपए में हमें कैसा लंच बॉक्स जो है मिलता है बर्गर स्टाइल में, देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। देखो रियल बर्गर लग रहा है ना, एकदम बन लग रहा है एकदम रियल, और जो इसके बन के ऊपर जो हमारे वो लगे होते हैं क्या कहते हैं तिल लगे होते हैं, एकदम बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये देखो काफी बढ़िया है, तो इसको ओपन करते हैं। मैंने भी इसको पहले ओपन नहीं किया है, तो ओपन करता हूं आपके सामने ही। ये देखो ऐसे साइड से ओपन करेंगे, और ओपन हो गया है, तो इसको हटाते हैं गाइज। ये देखो सबसे ऊपर वाले स्पेस में यहाँ पर आप जो है अचार वगैरह या चम्मच वगैरह छोटी मोटी चपाती वगैरह जो इसके अंदर रख सकते हो, इसको हटा लेते हैं, और इसके अंदर एक और स्पेस मिल जाता है हमें गाइज, ये देखिए। और हमें इसके साथ मिलती है एक स्पून, ये देखिए, और एक फॉक मिलती है, इससे आप नूडल्स खा सकते हैं और अपनी सब्जी वगैरह इससे खा सकते हैं। और इसको भी हटा लेते हैं, तो सबसे नीचे भी हमें इसके अंदर एक स्पेस मिल जाता है। देखो काफी बड़ा स्पेस है गाइज, यानी कि काफी यूनिक हमारा जो है लंच बॉक्स है गाइज। ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो सरप्राइज मिल गया, काफी बढ़िया। 150 रुपए में गाइज काफी सारी आइटम जो है इसके अंदर हमें मिल रही है। तो इसको फिर से बंद करते हैं, और एकदम रियल बर्गर कसम से, कोई दूर से इसको देखेगा ना गाइज तो उसको ऐसा लगेगा कि आप इतना बड़ा बर्गर जो है लेकर आए हो स्कूल में। ये देखो गाइज कितना बढ़िया लगा ना गाइज, ये मुझे तो ये सच में गाइज काफी ज्यादा पसंद आया। ये देखिए काफी सही चीज है गाइज, ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपके पास भी अगर ऐसा हैगा तो ये भी जरूर बताना। उसके बाद गाइज हमारे पास है इरेजर्स का बहुत ही बड़ा बॉक्स, और इसके अंदर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइप की हमें इसके अंदर इरेजर देखने को मिलती है। तो ये देखो गाइज ये रही सारी की सारी हमारी इरेजर, और इसको खोल लेते हैं गाइज, ये खुल नहीं रहा है, इसकी पैकिंग बहुत ही जबरदस्त जो है दी गई है। तो ये देखो खुल गया है, और देखो टर्टल वाली है, डॉल्फिन वाली है, और ये क्रैब वाली है, यूनिकॉर्न वाली है, बैट वाली है, और ये पफर फिश वाली है, एक और टर्टल वाली है, स्टार वाली है, और ये ऑक्टोपस वाली और पेंगुइन वाली हमें इसके अंदर इरेजर देखने को मिलती है। और काफी मोटी मोटी जो है ये इरेजर्स हैं गाइस, काफी काम आएंगी ये मेरे। और उसके बाद गाइस हमारे पास है कैमलिन का एक नोवा ग्लोविंग पेंसिल सेट, और ये देखो पावर ग्रिप वाली पेंसिल सेट है, उसके अंदर 10 यूनिट मिलते हैं हमें, और ये देखिए इसके साथ हमें एक शार्पनर भी मिलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेंसिल काफी यूनिक है गाइस, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा सबसे पहले एक शार्पनर, ये देखो काफी अच्छा शार्पनर है, रेड कलर का शार्पनर है। उसके बाद हमें मिलती है इसके अंदर पेंसिल्स, ये देखो कितनी बढ़िया नियोन कलर की पेंसिल्स हैं, ये देखो काफी अच्छे कलर्स इसके हैं। सबसे बड़ी बात है ऊपर ही इनके इरेजर भी दिया गया है,
तो काफी सही पेंसिल्स लगी गाइज मुझे ये। उसके बाद गाइज हमारे पास है दो पेन, तो एक है हमारे पास कॉम्बो वाला पेन और इसके ऊपर एक डायमंड भी लगा हुआ है, कंघे वाला पेन है और सच में आप इससे अपने बाल ठीक कर सकते हैं और इसको ऐसे खोल के आप इसको चला भी सकते हैं। ये देखो गाइस इसको हटा लेते हैं और देखो मैं आपको चलाकर भी दिखाता हूं। ये देखो कितने अच्छे तरीके से कितना पतला पेन चलता है, काफी यूनिक पेन है गाइज ये। तो इसको रखते हैं साइड में और अब मैं आपको दिखाता हूं हमारा गन वाला पेन। ये देखो गाइस ये हमारा गन वाला पेन है, काफी बढ़िया लग रहा है ना, और इसके ऊपर एक स्कोप भी दिया गया है और गाइज इस स्कोप के अंदर लाइट भी जलती है। ये देखो गाइज इसको ऐसे ऑन करेंगे तो इसके अंदर लाइट भी जलती है, तो आप सोच ही सकते हैं कितना यूनिक पेन है। तो इसको बंद कर लेते हैं और इसको कैसे खोलेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे और हमारा पेन अलग से बाहर आ जाता है और इसको आप साइड में रख सकते हैं या फिर इसके साथ खेल भी सकते हैं। तो ये देखो गाइस इसको चला के देखते हैं कितना एकदम रियल बड़ा पेन जो होता है वैसे ये पेन लग रहा है और इस गन में जाके तो और भी यूनिक लगता है। देखो गाइस ये पेन भी काफी पतला और काफी बढ़िया जो है ये पेन भी चलता है और वापस से आप इसको इस गन के अंदर डाल करके रख सकते हैं। तो ये 2-in-1 पेन कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। और इसके बाद गाइस हमारे पास है एक बुक वाली इरेजर का सेट और ये आपको बुक्स लग रही होंगी लेकिन ये सारी की सारी गाइस इरेजर्स हैं। ये देखो गाइस और इनसे आप मिटा भी सकते हैं, पेंसिल से लिखा हुआ इजीली इसकी हेल्प से मिट जाता है। और एक इरेजर का हमारे पास एक बॉक्स भी है, मिनी बॉक्स और एक मिनी लंच बॉक्स या टिफिन बॉक्स जैसा ये बॉक्स जो है नजर आता है। मैं आपको इसके अंदर से इरेजर्स वगैरह जो है निकाल करके दिखा भी देता हूं गाइस। ये देखो ऐसे इसको खोलना है, ये देखिए हमने खोल लिया है और ये एकदम गाइस काफी एयर टाइट बॉक्स है। और देखो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, हमें इसके अंदर प्रिंसेस का जो है मुकुट मिलता है देखने के लिए, क्राउन बोलते हैं जिसको, और प्रिंसेस का कासल यानी कि प्रिंसेस का महल मिलता है और इसके प्रिंसेस का एक डायमंड भी इसके अंदर हमें मिलता है और प्रिंसेस का एक हमें छड़ी भी जो है प्रिंसेस की मिल जाती है, जादुई छड़ी। सो गाइस ये काफी बढ़िया और सारी की सारी इरेजर है, इनसे आप मिटा भी सकते हैं और नहीं तो आप इससे ऐसे ही खेलना चाहे तो खेल भी सकते हैं। और ये एयर टाइट कंटेनर है, इसके अंदर जो है खराब भी नहीं होती है, काफी बढ़िया इरेजर है गाइज ये। और गाइज इसके बाद हमारे पास एक पेपा पिक फैमिली का एक बहुत ही बढ़िया सेट। ये देखो गाइज कितनी बढ़िया लग रही है ना पेपा पिक, मैं आपको इसको निकाल करके भी दिखा देता हूं कि हमारा ये पेपा पिक का सेट जो है कैसा नजर आता है। ये देखिए गाइज हमने इसको खोल लिया है और इसके अंदर से निकाल लेते हैं पेपा पिक की फैमिली को। ये देखिए गाइज आ जा हमारी पेपा पिक फैमिली बाहर। वाव कितनी प्यारी फैमिली है गाइज, ये देखो गाइज वाव कितनी प्यारी फैमिली है। और गाइज कमेंट में ये बताओ कि ग्रीन वाला कौन है और पर्पल वाला कौन है। चलो मैं ही बता देता हूं आपको, ग्रीन वाले हैं डैडी पिक, पर्पल वाली है मामा पिक और ये देखो गाइज ये है हमारा ब्लू वाला जॉर्ज पिक और ये हमारी सबसे फेवरेट ऑरेंज कलर में पेपा पिक। तो ये हमें पेपा पिक कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। पेपा पिक का कार्टून अगर आप कम देखते हैं तो ये भी हमें कमेंट में जरूर बताना और इसको रख देते हैं साइड में। और इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखो डोरेमोन का एक बहुत ही प्यारा मग है हमारे पास। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं इसे खोल के और ये रहा हमारा डोरेमोन का मग। ये देखो गाइस इसके अंदर आप चाय कॉफी पानी कुछ भी पी सकते हैं और इसको ऐसे खोलते हैं गाइस। ये देखो ये खुल गया है और इसके अंदर आप इसको गर्म चीजें रख के इसके अंदर बंद कर देंगे तो वो फिर से ठंडी भी नहीं होती है। और देखो ये डोरेमोन इधर है, इधर भी डोरेमोन है और आई एम डोरेमोन इधर लिखा हुआ है और ये डोरेमोन का फेवरेट कलर है ब्लू। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखो काफी बढ़िया इंडक्टिव रेनबो कलर कप है हमारे पास। और गाइस की खासियत मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने मात्र 70 रुपीज का खरीदा है गाइस। ये देखो एक नॉर्मल आपको कप नजर आ रहा होगा लेकिन अभी आपको पता चलने वाला है कैसा कप है। मैं इसके बाद इसके अंदर आपको पानी डालकर दिखाता हूं गाइस, मैं पानी लेकर आ चुका हूं और ये देखिए गाइस इसके अंदर मैं पानी डालता हूं और आप देखना मैजिक। ये देखो थोड़ा थोड़ा पानी जाने के बाद ये देखो गाइस कैसे इसके अंदर लाइट्स जो है ब्लिंक होने लगी है। ये देखो ये कप कितना डिजाइनर बन गया है। इसके अंदर आप चाहे गरम गरम चीजें डालो चाहे ठंडी चीजें डालो, थोड़ा सा पानी जाते ही इसके अंदर काफी अच्छी लाइट जो है ब्लिंक होने लगती है। मैं लाइट्स ऑफ करके आपको उसकी लाइट्स प्रॉपर दिखा देता हूं। और गाइज ये देखो हमारे कप को आप देख लो कितना बढ़िया लग रहा है, कैसे इसके अंदर डीजे की तरह लाइट जो है ब्लिंक हो रही है। ये देखो गाइज वाओ एकदम मैजिकल कप की तरह ये नजर आ रहा है गाइज। और 100 रुपए में मुझे लगता है काफी बढ़िया कप है, 100 रुपए में एकदम वैल्यू फॉर मनी है गाइज ये। और इसके अंदर जैसे ही पानी खत्म होता है तो इसके अंदर जो है लाइट्स अपने आप जो है बंद भी हो जाती हैं और जैसे ही आप इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाला आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा सा भी पानी डालते ही इसके अंदर काफी यूनिक स्टाइल की लाइट जो है ब्लिंक होने लगती है गाइज। अगर आपके पास भी ऐसा कप है, आपने कभी पहले ऐसा कप देखा है तो जरूर से कमेंट में बताना गाइज मुझे। सो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है
ये देखिए गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, और जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हमारे पास बचा हुआ है एक कार वाला शार्पनर, एक ये बैंड है हाथ में पहनने वाला कैप्टन अमेरिका का, और एक स्प्राइट के अंदर सरप्राइज है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद हमारे पास डोम्स की एक पेंसिल बॉक्स है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। वाटर गेम है, डोरेमोन की वॉच है, और मिनी माउस की वॉच है। ये कुछ चीजें हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो हो गई है बहुत लंबी, पूरी आधे घंटे की लगभग की वीडियो बन चुकी है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखना, और गाइस वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हमेशा ही हमारे चैनल पर जो है आते रहते हैं। बाय बाय।